हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पंकज पंजवानी और डेटा स्ट्रक्चर वीडियो लेक्चर सीरीज़ के इस वीडियो में आज आपका स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करेंगे ट्री ट्रैवर्सल टेक्निक्स को। ट्री ट्रैवर्सल टेक्निक्स या फिर बाइनरी ट्री ट्रैवर्सल टेक्निक्स हम इसको बोलते हैं। ट्रैवर्सल का मतलब होता है ट्री के अंदर जितनी भी नोड्स हैं उन सबको विजिट करना, वन बाय वन सारे नोड्स को विजिट करना और उसमें कुछ प्रोसेसिंग अप्लाई करना। ठीक है, तो उसके लिए आपके पास कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं वो हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले है इन ऑर्डर ट्रैवर्सल। ठीक है, इन ऑर्डर ट्री ट्रैवर्सल होता है, और दूसरा होता है प्री ऑर्डर, और तीसरा होता है पोस्ट ऑर्डर। तो तीन ट्री ट्रैवर्सल टेक्निक्स होती हैं, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर। अब इन ऑर्डर, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, तो इन ऑर्डर में क्या रहेगा, सबसे पहले आप लेफ्ट चाइल्ड को विजिट करोगे, फिर रूट नोड को विजिट करोगे, फिर आप राइट नोड को विजिट करोगे। ठीक है, आर डैश का मतलब है रूट। ठीक है, जो मैंने आर डैश लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, रूट। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आर डैश का मतलब है मेरा रूट। ठीक है, मतलब पेरेंट नोड, और एल का मतलब है लेफ्ट। ठीक है, लेफ्ट नोड, और आर का मतलब है राइट नोड। ठीक है, रूट नोड, लेफ्ट नोड और राइट नोड। तो इन ऑर्डर में क्या होगा, इन ऑर्डर में सबसे पहले आप लेफ्ट चाइल्ड को विजिट करोगे, फिर राइट चाइल्ड को, सॉरी, पहले लेफ्ट चाइल्ड को, फिर रूट को, फिर राइट को। इसी तरह प्री ऑर्डर में रूट पहले आएगा, फिर लेफ्ट, देन राइट। और पोस्ट ऑर्डर में, पोस्ट मतलब बाद में, ठीक है, पोस्ट का मतलब होता है बाद में, तो इसमें क्या होगा, रूट बाद में आएगा। ठीक है, जो रूट रहेगा वो बाद में आएगा, पहले आएगा लेफ्ट राइट। ठीक है, हमेशा लेफ्ट पहले आता है, राइट उसके बाद में आता है। ठीक है, इन ऑर्डर की बात करें तो रूट बीच में, लेफ्ट पहले और राइट लास्ट में। प्री ऑर्डर रूट पहले और फिर लेफ्ट राइट। पोस्ट ऑर्डर मतलब रूट राइट लास्ट में और लेफ्ट राइट, हमेशा राइट के पहले लेफ्ट आएगा। ठीक है, और पोस्ट लिखा है मतलब रूट लास्ट में, प्री लिखा है मतलब रूट पहले, इन लिखा है मतलब रूट बीच में। ठीक है, और लेफ्ट राइट की पोजीशन तो वही रहेगी, पहले लेफ्ट फिर राइट, बस रूट की पोजीशन चेंज हो रही है। इन लिखा है मतलब रूट बीच में, प्री लिखा है मतलब रूट पहले, और पोस्ट लिखा है मतलब रूट बाद में। ठीक है, तो इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हम एक ट्री लेते हैं और उस ट्री के अंदर ये तीनों टेक्निक्स का यूज़ करते हुए ट्रैवर्सल परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे ले लेता हूँ। सपोज मुझे एक ट्री दिया हुआ है, ठीक है, इसमें लिखा हुआ है 60, ठीक है, फिर इसका मैंने लेफ्ट चाइल्ड नोड बना दिया, और यहाँ पे मैंने लिख दिया 30, ठीक है, फिर इसका मैंने एक राइट चाइल्ड बनाया 30 का, और यहाँ पे मैंने लिख दिया 35, ठीक है, फिर 30 का मैं एक लेफ्ट चाइल्ड बना लेता हूँ, उस पर मैंने लिखा 20, ठीक है, और 35 का मैंने एक लेफ्ट चाइल्ड बनाया, यहाँ मैंने लिखा 33, ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे रख दिया 34।
ठीक है, ये क्या है आपका, एक बाइनरी ट्री है, बाइनरी सर्च ट्री। बाइनरी सर्च ट्री में क्या होता है, जो छोटा होता है वो लेफ्ट में आप रखते हो, छोटा एलिमेंट लेफ्ट में होता है और बड़ा एलिमेंट राइट में होता है। जैसे 60 से कोई बड़ा एलिमेंट हम ले लेते हैं 75, तो 75 60 से बड़ा है तो राइट में आपने डाल दिया इसको। फिर अगर मुझे कोई एलिमेंट लेना है सपोज 90, तो 90 60 से बड़ा है, राइट में जाएगा, राइट में आपको 75 मिला, 75 से भी बड़ा है तो उसको भी राइट में डालेंगे। बट अभी अपन बाइनरी सर्च ट्री ना लेते हुए ऐसे ही नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मली अपन क्या करते हैं, ट्री बना रहे हैं, ठीक है। बाइनरी सर्च ट्री में भी ये ट्री ट्रैवर्सल टेक्निक अप्लाई होती है और विदाउट बाइनरी सर्च ट्री में भी अप्लाई होती है। तो अभी मैंने बाइनरी सर्च ट्री वाला कंसेप्ट यहाँ नहीं लगा रहा हूँ। तो इन ऑर्डर, सबसे पहले इन ऑर्डर हमें करना है इसका, ठीक है। इसको मैं एक बार फिर चेक कर लेता हूँ, 60 30 20 35 33 34 90 75, ठीक है ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको, मैंने बाइनरी ट्री नहीं बनाया है, बाइनरी सर्च ट्री नहीं है, बट ये बाइनरी ट्री है, ठीक है। बाइनरी ट्री मतलब आप देख रहे हो मैक्सिमम जो नोड्स, चाइल्ड नोड्स हैं किसी के भी, वो दो हैं, है ना। बाइनरी बाइनरी ट्री क्या होता है, जिसके चाइल्ड नोड या तो 0 हो, या तो 1 हो, या 2 हो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। अब आप देखो, सबसे पहले इन ऑर्डर अप्लाई करते हैं इसका। अगर मैं इन ऑर्डर निकालता हूँ तो इसका इन ऑर्डर क्या आएगा, ठीक है। तो आपको मैं एक ट्रिक बताऊंगा, उससे आप काफ़ी इजीली फाइंड कर सकते हैं। बुक्स वगैरह में काफ़ी टफ कंसेप्ट दिए होते हैं, तो इसमें बहुत ही ज़्यादा शॉर्टकट टेक्निक आपको बताने वाला हूँ, जिससे आप इजीली फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो इन ऑर्डर में आपको क्या करना है, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करनी है नीचे। इन ऑर्डर मतलब सेंटर में, हर नोड के सेंटर में आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है नीचे की तरफ, ठीक है। और आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे इसको विजिट करना, ऊपर से आप एक लाइन लेके आए, और सबसे पहले आपकी लाइन कहाँ पे टच हुई, 20 पे, तो आपने यहाँ पे लिख दिया 20, ठीक है। 20 के बाद आप आगे बढ़े तो आपकी जो लाइन है वो टच हुई 30 पे, तो आपने यहाँ पे लिख दिया 30। 30 के बाद आपकी लाइन टच हुई 33 पे, तो आपने यहाँ लिख दिया 33। ठीक है, 33 के बाद आपकी लाइन टच होगी 34 पे, तो आपने यहाँ पे लिखा 34। ठीक है, 34 के बाद आप आगे चले तो आपको मिला 35, तो आपने यहाँ लिखा 35, ठीक है। फिर 35 के बाद आगे बढ़े तो आपको मिला 60, तो आपने यहाँ 35 के बाद 60 लिखा। और 60 के बाद आप आगे अगर बढ़ते हो तो आपको मिलेगा 90, 90 के बाद 75, ठीक है। आपको मिला 90, और 90 के बाद 75, ठीक है। तो ये आपका इन ऑर्डर ट्रेवर्सल कंप्लीट हो चुका है, 20 30 33 34 35 60 90 75। अगर इन ऑर्डर इन ऑर्डर टेक्निक का यूज़ करते हुए आप विजिट करेंगे, तो आपका विजिटिंग ऑर्डर जो रहेगा वो रहेगा 20 30 33 34 35 60 90 75। तो ये तरीका हमने यूज़ किया इन ऑर्डर के लिए, ठीक है। अब मुझे अगर करना है प्री ऑर्डर, तो प्री ऑर्डर का क्या कंसेप्ट रहेगा वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, इसी ट्री को मैंने फिर से ले लिया और यहाँ पे मैं, ठीक है, इसमें ये मैं मिटा देता हूँ इसको,
ठीक है, इन ऑर्डर के बाद नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा प्री ऑर्डर, और प्री ऑर्डर के बाद पोस्ट ऑर्डर। ठीक है, तो इसकी अपन दो कॉपी बना लेते हैं, क्योंकि मुझे प्री ऑर्डर भी आपको बताना है और पोस्ट ऑर्डर भी बताना है। तो ये बहुत ही शॉर्टकट ट्रिक है, आपको इन ऑर्डर निकालना है तो सेंटर में आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है। और अब अगर आपको सपोज प्री ऑर्डर फाइंड करना है, ठीक है, प्री ऑर्डर फाइंड करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा वो हम देखते हैं। प्री ऑर्डर, ठीक है, इसकी मैं दो कॉपी बना लेता हूँ, क्योंकि मुझे जो है इसका पोस्ट ऑर्डर भी आपको बताना है। तो एक और कॉपी मैंने इसकी रख ली। ठीक है, तो अब हम इसका करते हैं प्री ऑर्डर। तो प्री ऑर्डर के लिए आप क्या करेंगे, प्री मतलब पहले, तो आप यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लें। ठीक है, सभी नोट्स पे आप यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करें, फ्री में जो लाइन आएगी वो पहले आएगी। ठीक है, अब आप विजिट करना स्टार्ट करेंगे। तो रूट से आपने स्टार्ट किया, तो सबसे पहले आपको मिला 60, तो आपने यहाँ लिख दिया 60। और 60 के बाद आप आगे चले। ठीक है, 60 के बाद आगे चला तो मुझे मिला 30, 30 के बाद 20, ठीक है, 60 के बाद 30 और 30 के बाद 20, फिर 20 के बाद में आगे चला तो मुझे मिला 35, 33 और 34, 35, 33 और 34। ठीक है, 35, 34, सॉरी 35, 33, 34। ठीक है, 35, 33, 34 के बाद मैं आगे चलता हूँ तो मुझे यहाँ मिलेगा, मैं अंदर गया, अंदर गया तो मुझे 75, 75 के बाद 90 मिला। ठीक है, 34 के बाद 75 और 75 के बाद 90। ठीक है, तो थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करेंगे दो तीन क्वेश्चन में तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो हमारा जो प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल हमें मिला वो है 60, 30, 20, 35, 33, 34, 75, 90। ठीक है, अब इसी पे मैं अप्लाई करता हूँ पोस्ट ऑर्डर। तो पोस्ट ऑर्डर में आपको क्या करना है, पोस्ट ऑर्डर में जो लाइन आप ड्रॉ करेंगे वो राइट साइड में ड्रॉ करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल राइट बनाएंगे सभी नोट पे राइट साइड में। ठीक है, अब मैं यहाँ रूट से स्टार्ट करता हूँ चलना, तो सबसे पहले मेरी जो लाइन टच होगी वो 20 पे होगी। तो इसका जो पोस्ट ऑर्डर है, पोस्ट ऑर्डर में सबसे पहले हम विजिट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमें मिला 20, तो मैंने यहाँ पे 20 लिख लिया। ठीक है, सबसे पहले आपको 20 मिला, 20 के बाद आप आगे चले तो आपको मिलेगा 34, तो ये आ गया आपका 34। फिर 34 के बाद आप आगे चले तो आपको मिलेगा 33, ठीक है, 33 के बाद आप आगे चलेंगे तो आपको मिलेगा 35, देन 30। ठीक है, 34 के बाद 33, फिर 35, 30।
ठीक है, फिर आप और आगे चलेंगे तो आपकी लाइन, ये आपको रफ़ में करना है, ये जो वर्क आपको करना है ना लाइन ड्रॉ करके, ये आप रफ़ में कर सकते हैं। ठीक है, तो 90, 90 के बाद 75, ठीक है, 30 के बाद 90, 90 के बाद 75, और 75 के बाद आपको मिलेगा 60। ठीक है, तो ये इसका पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल मिला हमें 20, 34, 33, 35, 30, 90, 75, 60। तो हमने देखा अगर हमारे पास कोई ट्री दिया हुआ है और उसको हमें ट्रेवर्स करना है तो हमारे पास तीन टेक्निक्स हैं, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर। इन ऑर्डर में जो रूट होता है वो सेंटर में होता है, मतलब रूट आप सेंटर में विजिट करते हैं। प्री ऑर्डर में रूट पहले विजिट करते हैं रूट नोड को, पोस्ट ऑर्डर में रूट नोड को लास्ट में विजिट करते हैं, और हमेशा लेफ्ट के बाद राइट आएगा। लेफ्ट राइट की पोजीशन तो वही है, बस रूट की पोजीशन आप समझ सकते हैं चेंज हो रही है। इन ऑर्डर में रूट बीच में है, प्री ऑर्डर में रूट पहले है और पोस्ट ऑर्डर में रूट लास्ट में है। ठीक है, और आपने यहाँ पे ट्रिक देखा, इन ऑर्डर में आपको ये लाइन जो है वर्टिकल एक लाइन बनानी है सभी नोड्स के नीचे, और प्री ऑर्डर में जो लाइन है वो आपको लेफ्ट में ड्रॉ करना है सभी नोड पे, हॉरिजॉन्टल लाइन। फिर पोस्ट ऑर्डर में एक हॉरिजॉन्टल लाइन सभी नोड पे राइट साइड में। ठीक है, सो आई होप कि आपको पूरी तरीके से क्लियर हुआ होगा। आज हमने देखा कैसे हम ट्री से ये ट्रेवर्सल फाइंड कर सकते हैं। अब अगर हमें ऑलरेडी ये ट्रेवर्सल दिया है, ठीक है, सपोज आपको क्वेश्चन दिया है, आपको इन ऑर्डर और प्री ऑर्डर पहले से पता है, ठीक है, एलिमेंट्स का क्या इन ऑर्डर प्री ऑर्डर आएगा या इन ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर आएगा, ये आपको पता है और उससे आपको ट्री बनाना है, तो वो आप कैसे कर पाएंगे वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बताऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी कोडिंग। ठीक है, कोडिंग तो नहीं बोलना चाहिए, हम डेटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, बाय फॉर नाउ।